स्नो स्नो स्नो, लेपट लेपट लेपट, आजा आजा आजा, स्नो स्नो स्नो, लेपट लेपट लेपट, आजा आजा। एकदम से खाई है, बहुत एहतियात से चलानी पड़ रही गाड़ी, बहुत ही ज्यादा एहतियात से। इधर दिखाओ कितनी गहरी खाई है, से आ गए हैं जो पूरा फिसलने वाला रोड था। और मैंने लगभग 1000 किलोमीटर गाड़ी चला रही है और 1000 किलोमीटर में सिर्फ अब दूसरी बार मुझे डर लगा है। और भैया मंज गए दांत? क्या कर रहे हो, जल्दी चलो यार, लेट हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हमारा 8वां दिन है, हम फ्राइडे को ही निकले थे वहां से और हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपने होम स्टे से निकल गए हैं। होम स्टे की पिक्चर ये है, इन लोगों ने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया। और ये अभी हम हैं राइट साइड, लेफ्ट साइड में जो है ये सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप है, यहाँ पे ही हम अपना रिफिल कराएंगे, लेकिन अभी नहीं। और अभी तो हम जा रहे हैं, हमने कल ऊपर अपना जो है 3 जो गांव है ऊपर, द हाईएस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज कॉमिक और लांगजा और एक और था, वो कंप्लीट कर लिया था कल ही हमने। आज हम की मॉनेस्ट्री और उसके बाद किब्बर जो कि वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे, तो हमें हो सकता है ब्लू शीप देखने को मिल जाए। और अभी जो हमारे साथ जो एक और थे गेस्ट, वो बताए थे कि अगर हम 4-5 किलोमीटर और आगे जाते हैं तो हो सकता है हमें स्नो लेपर्ड भी मिल जाए, बट इट इज़ वेरी रेयर, सब बोलते ही हैं यहाँ पे क्योंकि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अभी हम की मॉनेस्ट्री जाएंगे, देन हम किब्बर जाएंगे एंड फिर लास्ट पिन वैली यार, दिस चिंचम ब्रिज। ठीक है, तो इसी रोड पे है, काजा से 22 किलोमीटर है चिंचम ब्रिज। तो पहले की मॉनेस्ट्री आएगी, फिर किब्बर आएगा, फिर चिंचम ब्रिज आ जाएगा। ठीक है, चिंचम ब्रिज से हम वापस आ जाएंगे। ये देख रहे हो व्यू, ये पूरी की पूरी लेक जमी हुई है, लेक फिर निकल रहा है मेरी जुबान से, रिवर स्पीति रिवर पूरी जमी हुई है, हल्की हल्की सी जगह जगह से पिघल रही है और पूरे पहाड़ बर्फ से लदे हुए हैं और रोड कच्चा है, उतर रहे हैं हल्की हल्की। और मुझे लग रहा है कि जो की मॉनेस्ट्री है वो भी अभी बर्फ से ढकी हुई मिलेगी हमें, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी भी 10 किलोमीटर मतलब 8 किलोमीटर रह गई होगी की मॉनेस्ट्री। जो कट जाता है राइट को, हम वहाँ से आगे आ गए, यहाँ से 5 किलोमीटर रह गया अब किब्बर। और बहुत सकरे रास्ते हैं, पतले पतले और नीचे एकदम से खाई है, बहुत एहतियात से चलानी पड़ रही गाड़ी, बहुत ही ज़्यादा एहतियात से। इधर दिखाओ कितनी गहरी खाई है, हॉर्न दे देंगे, कोई सपोर्ट नहीं है लेफ्ट साइड में, शायद इसे ही कहते हैं डेंजरस रोड मेरी डेफिनेशन के हिसाब से, बाकी हो सकता है किसी की डेफिनेशन मेरे से मैच नहीं करती। ये ब्लाइंड कर्व है एकदम से और ये कीचड़ हो रखी है, देख रहे हो वहां से लेके वहां तक, जहां तक वो ऑल्टो जाती हुई दिखाई दे रही है आपको हल्की हल्की सी, पूरा रास्ता ही ऐसा है। फ्लो में चलने देना आप, देखो हम ये ब्लैक आइस पे चल रहे हैं और गाड़ी रोक नहीं सकते, रोकेंगे तो स्लिप करेगी जैसे स्लिप कर रही है। और हम किब्बर ऊपर निकल के रास्ता, हम चिंचम जा रहे हैं पहले चिंचम, उसके बाद एक वो है जगह जो कि लास्ट है, उसके बाद कुछ भी नहीं है इंडिया में, इंडिया का मतलब हिमाचल प्रदेश की तरफ से, तो हम सोच रहे हैं वहाँ पे भी चले जाएँ। 41 किलोमीटर है, देखते हैं क्या करेंगे हम, गाड़ी अपनी पेट्रोल फुल है, बस रास्ता खतरनाक है।
बहुत ज्यादा खराब है। और दूसरी चीज क्या, जैसे पुल है और पुल से निकलते ही एकदम से चढ़ाई है, और ये देखो ये जो ये वो आ रही है नदी पूरी की पूरी बर्फ से जम रही है, तो ये अब चढ़ाई है, पावर लगानी पड़ेगी गाड़ी को। सामने बर्फीला पहाड़ है, पूरा कच्चा रास्ता है, देख रहे हो आप। मतलब मैं तो भैया इससे ज्यादा डेंजर जगह पे नहीं गया हूँ अभी तक, आगे मुझे लग रहा है पहाड़ी खत्म होती नजर आ रही है, ब्लॉक होते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या है, हमें क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, स्नो लेपर्ड मिल सकता है, ब्लू शीप मिल सकती है, हिमालयन आइबेक्स, रेड फॉक्स, अर्गली, देखते क्या मिलता है हमें देखने के लिए, विल बी एबल टू स्पॉट इट आउट और नॉट। फाइनली चिंचम ब्रिज रीच कर गए हम, ये है चिंचम ब्रिज, देख रहे हो आप, काफी बड़ा है यार, बट इससे अच्छे अच्छे ब्रिज हमें रास्ते में मिले थे टू बी ऑनेस्ट, जिन पे हमने पिक्चर्स ली थी। एक समय में एक ही वाहन पार करे, पुल के ऊपर गाड़ी खड़ी कर ना करने, तो मतलब अभी हमें देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, वाहन उधर से आ रहा है नहीं आ रहा है, देखते हैं। चिंचम ब्रिज दिख रहा है भैया, चिंचम ब्रिज ऊपर आ गया, वाहन तो नहीं आ रहा, एक लौंडिया आ रही है, रोके नहीं रोके गाड़ी, इधर देखो, ओ वेरी डीप, स्लो मूव गाड़ी मूव करेंगे, दिखाओ इधर भी दिखाओ चांद बाबू, दिख रहा है खाई, उधर वाली अच्छे से दिखेगी हमारी, शीशा खोल लो, जिसने लेपर्ड नहीं आया, जिसने लेपर्ड आ ही जाए यार। चचा की दाढ़ी दिखाओ यार, चचा की दाढ़ी दिखेगी, अच्छा यहाँ फोटो शूट हो रहा है चार्ज वाला, तो हम भी कराएंगे डीएसएलआर से, क्या बात है। और अब पता है हम क्या करते हैं, हम जैसे अभी आपको दिखाया था हम चिंचम ब्रिज पहुंचे थे, ब्रिज के ऊपर से होते हुए आए, एक ही गाड़ी जा सकती है एक टाइम पे, ब्रिज काफी बड़ा है, पूरा का पूरा सिंगल ब्रिज है, रोप पे टिका हुआ है, जैसे कि हमारा हावड़ा ब्रिज है उसी उस पर टिका हुआ है। आप व्यू देख रहे हो, व्यू इज अमेजिंग, पहाड़ बर्फ से लदे हुए और नीचे बहुत गहरी खाई है, अगर आप देखोगे तो हवा की आवाज के साथ साथ हल्की हल्की पानी की आवाज भी चल रही है, बहुत हल्की हल्की इसलिए आ रही है क्योंकि सारा का सारा पानी जमा हुआ है, ठीक है, ब्रिज पे बहुत ज्यादा भीड़ है, तो टूरिस्ट के इसलिए हम और हमने एक लोकेशन फाइंड करी वहाँ से, पूरा ब्रिज शायद आपको पूरा ब्रिज दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा दोस्तों, दिख रहा है ठीक है, तो पूरा ब्रिज दिख रहा होगा, और ये चिंचम ब्रिज है, ये दिस इज द लास्ट टूरिस्ट स्पॉट फॉर टूरिस्ट स्पॉट है, इसके बाद ऊपर जाएंगे तो किब्बर है, उधर से जाएंगे की मॉनेस्ट्री है, तो हम ये लास्ट स्पॉट है, बट हम यहाँ से एक जगह है, क्या नाम था जगह का, लो समथिंग एल करके था, मैं वॉइस ओवर डाल दूंगा बाद में या फिर नीचे उसको लिख दूंगा, लोहार पता नहीं कुछ करके 40 किलोमीटर है, वही रोड आगे शिमला को वो मनाली को जाता है, क्योंकि वो बर्फ की वजह से बंद है, लेकिन वहां तक हम जरूर जाएंगे जहां तक रोड बंद है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ घूमने नहीं आए, हम यहाँ पे एडवेंचर करने आए हैं, क्योंकि रोड तो आप देख ही रहे हो। बहरहाल ऐसे ही आप कौन ये चिंचम हो गया ऐसे कवर करेंगे, और व्यू तो देखिए भी अमेजिंग है, सूरज भी दिखा दिया सर पे आ गया एकदम से है, और अब चलते हैं आगे, फिर करते हैं अपडेट आपको, स्नो 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 लेपर्ड 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 आजा 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 स्नो 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 लेपर्ड 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 आजा आजा चिंचम ब्रिज से निकल आए और ऐसे ही थोड़ा सा एडवेंचर करने के लिए ऊपर जा रहे हैं, वो देख रहे हो जैसे धूप धूप में कैसे बर्फ चमक रही है, चारों तरफ वादियां वादियां हैं, उस तरफ दिखाना चाहते, देखो चारों तरफ ही वादियां हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। मैं ड्राइव कर रहा हूँ बट यही है कि सामने आता है तो देख लेता हूँ, बाकी ये दोनों बहुत मज़े ले रहे हैं व्यू के, मुझे नहीं दिख रहा है पीछे से ज़्यादा।
चिंचम ब्रिज तक आते हैं, हम चिंचम गांव से भी आगे आ गए हैं। चिंचम ब्रिज से गांव, चिंचम गांव 3 किलोमीटर है, 3 से 4 किलोमीटर आई थिंक, और हम उससे भी आगे हैं। अब क्योटो यहाँ से 20 किलोमीटर है। अब हम वहां तक जाएंगे जहां तक ये रोड जा रहा होगा और बंद ना हो जाए। आई थिंक मोटा मोटी हमारा अंदाजा है कि 40 किलोमीटर तक ये रोड जाएगा और फिर जाके बंद हो जाएगा। मनाली वाला रोड वहां से कटता है, बट शायद वहीं तक रोड खुला हुआ है। देखते हैं हम कितनी दूर तक जाते हैं, स्लो करते हैं, देखते हैं। बट दोनों तरफ रोड के बर्फ है और नज़ारा इज ब्यूटीफुल, मज़ा आ रहा है चलाने में। तो हम क्वाटो यहाँ से 15 किलोमीटर रह गया था, मतलब चिंचम ब्रिज से लगभग 15 किलोमीटर आगे आ गए थे, लेकिन आगे जो है बर्फ बहुत ज्यादा पिघल रही है और रोड पे पत्थर बहुत ज्यादा है और ऐसी कीचड़ है। तो जब हम वापस चढ़ेंगे, अभी भी देखना, हम वापस चढ़ेंगे तो गाड़ी फिसलने का हमारा डर है, ये पत्थर लगा हमारा, तो हम इसलिए वापस मोड़ लिया हमने गाड़ी। और यहाँ पे लेपर्ड का भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है और रोड बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत बराबर से निकालेगी गाड़ी। तो हमने वापस ले लिया गाड़ी, एडवेंचर सही में हो गया है हमारा। 15 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर हम आगे आ गए चिंचम ब्रिज से, वापस ले रहे हैं। आगे जाना सेफ नहीं है क्योंकि हमें 15 किलोमीटर तक कोई भी गाड़ी नहीं दिखी, हमें बस एक गाड़ी दिखी थी चिंचम गांव के पास, वो भी गांव में चली गई थी, कोई गाड़ी नहीं दिखी थी हमें। तो हम चल रहे हैं हल्के हल्के, देखो यहाँ से भी ये पूरा रोड खराब हो गया, ये देखो बर्फ के कैसे वो पिघल रहे हैं, पूरा ये रोड पूरा नीचे आया था, ऐसे ही आगे था। तो हम वापस आ गए, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, चढ़ाइए एकदम से, बस कैमरा पहले गिर नहीं चढ़ा। शुक्र है हम वहाँ से आ गए हैं जो पूरा फिसलने वाला रोड था। और मैंने लगभग 1000 किलोमीटर गाड़ी चला रही है और 1000 किलोमीटर में सिर्फ अब दूसरी बार मुझे डर लगा है। एक पहली बार मुझे कल लगा था जब बुद्धा स्टैचू से मैं ऊपर गाड़ी चला रहा था, क्योंकि अगर गाड़ी पीछे बैक आती तो सीधा खाई में जाती, क्योंकि हैंड ब्रेक भी नहीं संभाल पाता, फिसल जाती क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी। और दूसरा डर मुझे यहाँ पे लगा क्योंकि कीचड़ बहुत ज्यादा थी। वैसे ड्राइव चलाने में डर नहीं लग रहा था मुझे, लेकिन ये था कि कई गाड़ी फिसल गई और टायर इधर उधर चला गया, तो इधर नीचे खाइए और फिर अल्लाह मालिक है क्या होगा। तो वही है, बड़े बुजुर्गों की दुआ है। अभी तक वहां से तो निकल के आ गए हम और हमें पहुंचे। आप देख रहे हो चिंचम ब्रिज, बुरा छोटा सा दिख रहा होगा, छोटा सा चिंचम ब्रिज दिख रहा है, हम बहुत ऊपर आ गए थे उस जगह से। लेकिन हाँ यही है, जब यार जब एडवेंचर करोगे तो रिस्क तो होगा ही, तो डर लगता है, ये तो है, इंसान हम भी है, डर हमें भी लगता है। अब चिंचम ब्रिज 1 किलोमीटर रह गया है। हाँ पहुँच गए की मॉनेस्ट्री, दिख रहा है आपको, ये पूरी पहाड़ पे बसी हुई है की मॉनेस्ट्री, देखी होंगी आपने इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स एंड ऑल, वो ड्रोन से खिंची हुई होती है और ड्रोन्स यहाँ पे अलाउड नहीं है, हम इसलिए लेके नहीं आए। तो दूसरी बात ये, हमारी अभी औकात नहीं हुई है पर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जल्दी हो जाएगी, पर ड्रोन हम फिर भी नहीं लेके आएंगे, बिकॉज जो चीज़ अलाउड नहीं है तो नहीं है, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस रही होंगी जिस वजह से वो अलाउड नहीं किया गया। बहरहाल यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, देख सकते हैं।
अब हम रोकते हैं और फिर जाएंगे कि मोनेस्ट्री, घूमते हैं अंदर, दर्शन वगैरह करके आते हैं। लकड़ी देख लो कितनी पड़ी हुई है, ढेर लकड़ी पड़ी हुई। आई थिंक ऊपर ही जाना है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। हम दो दिन घूमे यहाँ पे लगातार काजा में, और अभी की मोनेस्ट्री से उतरे हैं और लगभग 5-6 किलोमीटर आगे अब हम सीधा दिल्ली निकल रहे हैं। रास्ते में शायद एक मम्मी देखते हुए रुकेंगे, जो मम्मी 15 ईयर ओल्ड पुरानी है, की योंग विलेज में, ठीक है, वहाँ जाएंगे और शायद उसकी वीडियो बनाए नहीं बनाए पता नहीं, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड होगा नहीं होगा, जैसे की मोनेस्ट्री में भी अलाउड नहीं होगा। यहाँ से सीधा क्लियर निकल रहे हैं। तो इस ट्रिप के लिए दिस इज द लास्ट वीडियो, और कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब, और अगर अच्छा लगा, कुछ भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं मुझे, और प्लीज़ कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रिप प्लान करते हैं। लद्दाख का सोच रहा हूँ मैं, अगर आपको लगता है कोई और सी ट्रिप करनी चाहिए तो वो मुझे बताएं, हम तीनों करेंगे वो इंशाल्लाह। तो कीप सब्सक्राइबिंग and with love and lots of love from the mountains.